सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग हब पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 10 विज्ञान विषय की जो बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली है उसकी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्याय 6 जैव प्रक्रम वाला जो चैप्टर है इस चैप्टर के एमसीक्यू टाइप प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि हम प्रत्येक वीडियो में 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को लेते हैं, और इनके सॉल्यूशन के हिसाब से अगर अपन देखें तो 60 से 70 क्वेश्चन आपके मैं सॉल्व करवाता हूँ, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं स्टार्टिंग के, मेरी गारंटी है वो 30 क्वेश्चन आप लोगों के इन सारे वीडियोस में से 100% मिल जाएंगे अगर आप ढंग से देख रहे हो और प्रत्येक वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो। तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करते ही आप सीधे वीडियो पर पहुंच जाओगे, वीडियो का जो पीडीएफ है उस पर पहुंच जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, प्रश्न है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? इन चार ऑप्शंस में से कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है श्वसन, और चौथा ऑप्शन है चलन। तो भाई देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है सभी जीव जितने भी सजीव हैं उन सब के लिए आ गई। तो सजीवों में आपको ध्यान रखना है कि प्लांट्स भी आते हैं, मतलब पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव जंतु भी आते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करें तो ये तो सिर्फ प्लांट्स में होता है भाई, जीव जंतुओं में तो नहीं होता, अपन प्रकाश संश्लेषण थोड़ी करते हैं। वाष्पोत्सर्जन पादपों में होता है, श्वसन तो सब में होता है, चलन भी पादपों में नहीं होता, ध्यान रखना पादप में नहीं होता, मनुष्य में चलन होता है। तो यहाँ पर अगर इन ऑप्शनों के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से अगर देखें तो उसी हिसाब से यहाँ पर सही ऑप्शन जो होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन सी, यानी श्वसन की प्रक्रिया जो है ये सभी जीवों में होने वाली है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। श्वसन की क्रिया जो है ना, ये श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीव में होती है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, प्रश्न है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। उत्तर देखिए, ए स्पर्शक द्वारा, बी जीभ द्वारा, सी कूटपाद द्वारा, और डी मुंह द्वारा। तो आप लोगों को पता है कि अमीबा जब गति करता है, अमीबा में जो चलन होता है, मतलब अमीबा में होने वाली जो गति है, गति किसके द्वारा होती है? कूटपाद के द्वारा होती है, और उसी कूटपाद से क्या करता है, ये भोजन पकड़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कूटपाद द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न ये रहा, देखिए तीसरा प्रश्न है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, अथवा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? भाई पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है अधिकतर पत्तियों से ही होता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, ठीक है ना। चार ऑप्शन आप लोगों के दिए हुए हैं, सिरा, रंध्र, मध्य सिरा और कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो सही आंसर आप लोगों के लिए रहेगा ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी। रंध्र जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा रंध्रों के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है पादपों में वो भी रंध्रों के द्वारा ही होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया के बारे में। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करता है भाई? द्वार कोशिका पर डिपेंड करता है। रंध्र जो होते हैं द्वार कोशिका के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। द्वार कोशिका जब फूलेगी तो रंध्र खुलेंगे, और जब सिकुड़ेगी तो रंध्र बंद हो जाएंगे। ये होते हैं द्वार कोशिका और रंध्र की क्रियाविधि। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि कब रंध्र खुलते हैं कब बंद होते हैं।
तो देखिए द्वार कोशिका जो होती है इसके पास में क्या होती है, स्वायक सहायक कोशिकाएं होती है। अब सहायक कोशिका से जल अगर द्वार कोशिका में आ रहा है तो द्वार कोशिका फूलेगी, और द्वार कोशिका फूलेगी इस स्थिति में जो रंध्र है वो क्या होंगे, ओपन होंगे, मतलब खुलेंगे, ध्यान रखना। और अगर मान लीजिए कि द्वार कोशिका से जल सहायक कोशिका में जा रहा है तो कोशिका सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो यहाँ पर रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न ये रहा, प्रश्न है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को, नेफ्रोन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस या फिर बोमेन संपुट। तो ध्यान दीजिए वृक्क की पूछ रहा है, वृक्क क्या होता है, वृक्क किडनी होती है, और किडनी का जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में, वो होता है नेफ्रोन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। जैसे अपन बात करें कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, सेल होती है, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, प्रश्न है निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, मतलब ये जो इतने सारे नाम लिखे हुए हैं इनमें से उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं वो हमको देखना है। पहला वृक्क, दूसरा अग्न्याशय, तीसरा है आँख, और चौथा फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए अभी अभी लास्ट क्वेश्चन जो चौथा था उसमें भी किडनी की बात की गई थी, और यहाँ फिर मैं बता रहा हूँ कि किडनी जो होता है ना उत्सर्जन अंग होता है, ब्लड से मूत्र को अलग करता है, मतलब मूत्र का ब्लड का शुद्धिकरण ये करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, प्रश्न है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में जो वृक्क होते हैं किससे संबंधित हैं, ऑप्शन ए पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से, और ऑप्शन डी परिवहन से। तो ध्यान दीजिए वृक्क जो होते हैं मनुष्य में, वृक्क क्या कार्य करते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अभी मैंने कहा था कि ब्लड है, ब्लड में से किसको अलग करते हैं भाई, किडनी मूत्र को अलग करती है, मतलब ब्लड का शुद्धिकरण कौन करता है, किडनी करती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न सातवां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, प्रश्न है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मत्स्य का मतलब होता है मछली वर्ग, फिशीज वर्ग जिसको हम कहते हैं, तो मछली का जो वर्ग है इसमें मुख्य श्वसन अंग कौन सा होता है, ऑप्शन ए ट्रकिया, ये ट्रेकिया है ध्यान रखना, बी फेफड़ा, सी गिल्स, और डी नाक। तो ध्यान दीजिए मछलियों में जो श्वसन अंग होता है, मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिनको अपन गलफड़े कहते हैं, ध्यान रखिएगा गलफड़े कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में गिल्स बोलते हैं और अंग्रेजी में गलफड़े कहते हैं। तो गलफड़ों के द्वारा ही गिल इनमें मत्स्य वर्ग में क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न ये रहा, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल जो होता है उस फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है, बाद में फल बनता है। तो ऑप्शन देखिए ए पुंकेसर, बी स्त्री केसर, सी अंडाशय, और डी बीजांड। तो इनमें से सही आंसर जो होता है ध्यान दीजिए ऑप्शन सी होता है, अंडाशय जो होता है किसमें बदल जाता है, फूल फल में बदल जाता है, ठीक है ना, फल का जो फूल जो होता है, फूल का अंडाशय वाला भाग होता है, अंडाशय किसमें बदल जाता है, अंडाशय बदलता है फल में बदलता है। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा अंडाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नवा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, प्रश्न है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, अमीबा में जो पोषण होता है वो कैसे होता है, ए शाकाहारी, बी अंतर्ग्रहण, सी सर्वाहारी, या फिर स्वपोषी। तो ध्यान दीजिए स्वपोषी की अगर अपन बात करें तो स्वपोषी तो किसमें होता है, स्वपोषी तो
पादपों में होता है, क्योंकि पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले जीवों में ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अमीबा में होने वाला जो पोषण है वो कैसे होता है, शाकाहारी होता है? नहीं नहीं, शाकाहारी नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, विधि की अगर अपन बात करें तो अंतर्ग्रहण वाली विधि जो है ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ये आप लोगों को जब डिटेल में मेरे से पढ़ा होगा आपने अमीबा के भोजन की क्रिया विधि, तो वहां पर मैंने कहा था कि अमीबा की आकृति कैसी होती है, अनियमित होती है, केंद्रक होता है, ये क्या होते हैं, कूटपाद होते हैं, और कूटपाद के बीच में जैसे ही कोई खाद्य भोजन आ जाता है, खाद्य कण आ जाता है, तो उसको ये पकड़ के और अंदर ले लेते हैं, खाद्य धानी का निर्माण कर लेते हैं, और अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और इसी एंडोसाइटोसिस को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है, प्रश्न नंबर 10, दसवां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है, बनने की संभावना है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, मतलब पौधे की जो पत्तियां होती है वो हरी किसकी वजह से होती है, क्लोरोफिल की वजह से, या ल्यूकोप्लास्ट की वजह से, या फिर फाइटोक्रोम की वजह से, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, कक्षा 6 से आप बहुत अच्छी तरह साइंस पढ़ते आ रहे हो और वहीं से आप लोगों को पता चल जाता है कि पौधे की जो पत्तियां होती है उनका हरा रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल बोलते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में बोलते हैं पर्ण हरित वर्णक। ध्यान दीजिएगा, पर्ण हरित वर्णक हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्लोरोफिल। बी की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, या फिर परजीवियों में। तो ध्यान दीजिए, जंतुओं में भी कुछ जीव हैं, कवकों में भी कुछ जीव हैं, लेकिन मुख्यतः अगर अपन बात करें तो हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि होती है, जिससे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ सी ऑप्शन सही हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न ये रहा, प्रश्न है, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन कौन करता है, ये पूछना चाह रहा है। तो वसा का पाचन पेप्सिन करता है, या ट्रिप्सिन करता है, या लाइपेज करता है, या फिर एमाइलेज करता है। तो ध्यान दीजिए, एमाइलेज लार में पाया जाता है, जिसको टाइलिन भी कहते हैं, और ये तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब पेप्सिन, ट्रिप्सिन और लाइपेज में से देखते हैं, तो ध्यान दीजिए, जब डिटेल में आप पढ़े होंगे तो वसा के पाचन के लिए क्या पाया जाता है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, वसा का पाचन, सॉरी, ये इसमें क्या आ जाएगा, लाइपेज आ जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ पे पेप्सिन नहीं होता है, लाइपेज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ इसको करेक्ट करिए आप। 12वां प्रश्न है, वसा का पाचन करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, तो इन चारों में से अगर अपन देखें तो लाइपेज जो होता है ना, ये किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो वसा लिख दिया यहाँ पर, इधर लिख दो वसा, और यहाँ ये रो खींच के इधर लिख दो पाचन। तो वसा का पाचन कौन करता है भाई, लाइपेज करता है, तो इसका नाम यहाँ पर लिख दो लाइपेज, ठीक है ना, लाइपेज, ये हो गया वसा का पाचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, प्रश्न बहुत अच्छा है, सभी हरे पौधे होते हैं, ऑप्शन ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी ऑप्शन है परजीवी, और डी ऑप्शन है इनमें सभी। तो ध्यान दीजिए, हरे पौधे जो होते हैं, मैंने अभी कहा आप लोगों को हरा रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है, और क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, और इसी क्लोरोफिल की वजह से पौधे क्या करते हैं भाई, भोजन बनाते हैं। अब भोजन स्वयं बनाते हैं तो सीधी सी बात है, स्वपोषी होंगे, तो 13वें में ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, प्रश्न है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, रक्त का रंग जो लाल दिखाई देता है किसकी उपस्थिति के कारण दिखाई देता है, ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी फाइब्रिन,
ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी सीरम। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर रक्त का जो लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हीमोग्लोबिन को हम HB से लिखते हैं। और ध्यान दीजिए, ये हमारे शरीर में मतलब रक्त में किसका परिवहन करता है? वायु का परिवहन करता है। और वायु में मुख्यतः देखो O2 और CO2 का होता है, बाकी अदर गैसें भी होती है, लेकिन O2 हमारे शरीर को चाहिए होती है, CO2 हमारा शरीर मुक्त करता है। तो इसी हिसाब से O2 CO2 ये दोनों ही अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 15वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, अगर कोई स्वपोषी पोषण करता है जीव तो उसके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बिल्कुल जरूरी है। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बिल्कुल ये भी जरूरी है। सी सूर्य का प्रकाश, ये भी जरूरी है। और डी उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिए, देखो प्रश्न में अभी देखा क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आ गया, मतलब ये तीनों। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी चाहिए यहाँ पर। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न है, मानव हृदय में वेश्म पाए जाते हैं, वेश्म का मतलब मानव हृदय कितने भागों में बटा हुआ होता है? मानव हृदय में कितने कोश बोल दो, कक्ष बोल दो, कितने भागों में वह बटा रहता है? तो आप लोगों को पता होगा, मानव हृदय जो है 3 वेश्म नहीं, 2 वेश्म नहीं, 4 वेश्म और 5 वेश्म। तो देखिए, 3 और 2 तो हो नहीं सकते और 5 भी नहीं हो सकते, आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन सी 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि कैसे बटा रहता है। मान लीजिए जैसे ये हमारा हृदय है, अब इसमें क्या होता है कि 4 भाग मुख्यतः, तो ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में अगर अपन देखें ऐसे, तो ऐसे देखो एक भाग तो ये इधर का हो जाता है और एक भाग इधर का हो जाता है, तो ऐसे तो 2 भागों में बट गया, लेकिन टोटली ये 4 भागों में बटा रहता है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, 4 भागों में ये बटा रहता है। अब इसमें से अगर अपन बात करें तो देखिए, ऊपर तो क्या होते हैं, आलिंद होते हैं, और नीचे क्या होते हैं, निलय होते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। इनको याद करने का ट्रिक भी मैं आपको बताता हूँ कि अल्फाबेट में जब अपन ऊपर से नीचे चलते हैं तो पहले ABCD में ए आता है, बाद में एन आता है। तो इस हिसाब से याद रख लो भाई, ऊपर तो क्या है, आलिंद है, नीचे क्या है, निलय है। कि सर अब ये कैसे ध्यान रखें कि कौन सा दायां आलिंद है, कौन सा बायां आलिंद है? तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ऐसे किसी भी डायग्राम को देखो तो इस डायग्राम को अपने बगल में रख के देखो। जैसे मान लो आप यहाँ पर खड़े हो गए, ये खड़े हो गए, मैं इनको मिटाता हूँ ना, पहले इनको मिटा देता हूँ जो टिक लगाए हैं। अब बताता हूँ, देखो जैसे आपने क्या किया, इधर खड़े हो गए, ये खड़े हो गए साहब, और अब ये खड़े होके यहाँ पर आपका क्या है, हृदय है, और हृदय को 4 भागों में आपको बांटना है। ठीक है, ये 4 भागों में बट गया। अब इस हृदय को, मतलब जो हृदय का डायग्राम है, इसको हमारे साइड में रख के देखना है, और साइड में रख के देखेंगे ना तो हमारे बाएं हाथ की तरफ का तो बायां भाग और हमारे दाएं भाग की तरफ का भाग दायां भाग। ठीक है, तो ये बायां आलिंद, ये बायां निलय, ये दायां आलिंद, ये दायां निलय। ठीक है ना, ठीक है। और ये जो बायां निलय है ना, ये ध्यान रखना सबसे बड़ा होता है, क्यों? और इसकी दीवार भी मोटी होती है। इसका कारण है कि इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर पंप किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने हृदय की लगभग लगभग पूरी जानकारी बता दी है। ये ध्यान रखना आलिंद और निलय कैसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 17वां प्रश्न आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया के परजीवी कौन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, मलेरिया परजीवी। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम, बी लेस्मानिया, सी प्रोटोजोआ और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया का क्या होता है, परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है,
परजीवी होता है। देखिए ये तो परजीवी होता है, यहाँ पर मलेरिया के लिए एक क्वेश्चन और बनता है कि मलेरिया का परजीवी तो प्लाज्मोडियम है, लेकिन मलेरिया परजीवी जो है इसका वाहक कौन है? तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि वाहक कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, वाहक पे प्रश्न बनता है बार बार, तो ध्यान दीजिए वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक है ना। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है इस प्लाजोडी मलेरिया परजीवी का क्या होता है? वाहक होता है। तो यहां सही आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। 18वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ये आप लोगों को देखना है। ऑप्शन ए मृतजीवी, ऑप्शन बी संभोजी, ऑप्शन सी स्वपोषी, या फिर कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए कवक में जो पोषण की विधि होती है वो पोषण की विधि कौन सी होती है? मृतजीवी होती है। और मृतजीवी कैसे होती है ये मैं आपको बताता हूँ। मृतजीवी का मतलब क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। मृतजीवी का मतलब है कि अगर आप किसी मरे हुए जीव से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं, मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे? मृतजीवी होंगे। मरे हुए पदार्थों पर, मरे हुए जीवों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं, वो मृतजीवी होते हैं। और कवक जो होते हैं ना मृतजीवी से अपना पोषण ग्रहण करते हैं, ठीक है। स्वपोषी तो आप जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर के कुछ भाग हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे, वैसे दो भाग होते हैं, एक तो कणिकाएं होती है और एक प्लाज्मा होता है। फिर कणिकाओं में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो रुधिर का कौन सा अवयव है जो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? मतलब ब्लड मान लो कहीं पे चोट लग गई और वहां चोट से ब्लड निकलता ही रहे, तो उसको रोकने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए कौन सा अवयव है जो मदद करता है? ऑप्शन ए लसिका, बी प्लाज्मा, सी प्लेटलेट्स और डी कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए सी जो है प्लेटलेट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। ध्यान रखिएगा हिंदी का शब्द भी आपको ध्यान रखना है। वैसे इसमें से जब प्रश्न बनता है तो इंग्लिश वाला शब्द प्लेटलेट्स है, इसी से बनता है, लेकिन बिंबाणु शब्द भी आपको याद रखना है। बिंबाणु जो होता है रुधिर स्राव को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 20वां। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न, पित्तरस कहां से स्रावित होता है? प्रश्न को ढंग से देखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है पित्तरस कहां से स्रावित होता है। यहां पर दो प्रश्न बनेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन ए अग्नाशय से, बी यकृत से, सी छोटी आंत से और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए पित्त रस स्रावित की अगर अपन बात करें तो स्रावित तो अग्नाशय से होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया, पित्त रस अग्नाशय से स्रावित होता है। अब मैं बात करूं कि ये स्रावित होकर फिर इसका स्टोर कहाँ होता है, स्टोरेज कौन होता है? तो इसका स्टोरेज कहाँ होता है? ध्यान रखिएगा पित्ताशय में इसका स्टोरेज होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो ये भी ध्यान रखना भाई, कभी कभी जैसे ऑप्शन में आपको पित्ताशय मिल जाता है, पित्ताशय मिल गया तो आप पित्ताशय मान लेते हो कि पित्तरस, हाँ पित्ताशय से स्रावित होता है, लेकिन अगर ऐसा कर दिया तो पित्ताशय गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पित्ताशय में तो क्या होता है, ये इकट्ठा होता है, इसका स्टोरेज होता है। आज की क्लास के ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। विश्वास है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को बता देना कि बोर्ड का कल एग्जाम है 10th का, तो बोर्ड के एग्जाम से पहले एक बार इसको जरूर देख लो, इसमें से क्वेश्चन मिल सकता है तो आपका भला हो जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।